जी अंजना, मैं बस ये बता रही हूँ कि आप किसी भी वक्त सचिन पायलट अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। आपको बता रही थी मैं कि ज्यादा दूरी नहीं, और ये तस्वीर सचिन पायलट की बिल्कुल बाहर विधायकों की बैठक पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ा जाएगा। देखिए कोई भी जवाब नहीं देते हुए, और आज तक की कैमरे पर आपने देखा कि किस तरह से दो बारी हमने सवाल पूछा कि क्या पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ा जाएगा। आइए आगे चलते हैं, यहीं पे सीएम आवास है, और ये काफिला आप देख रहे हैं जिस तरह से देखा है हमने कि जब से सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, उसके बाद से ये फासला पाटना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ समर्थकों की आपको भीड़ भी बहुत नजर आ जाएगी, और आज क्या होने वाला है बैठक में पूछते हैं। आज ये होने वाला है कि शहर के पूरे हिंदुस्तान के लोग सचिन के दीवाने, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत करने के लिए सचिन पायलट ही एक विकल्प है। और मुख्यमंत्री होगा तो आपको मंत्री युवा चाहता है, सचिन पायलट ही देश का भविष्य है, और युवा युवा जागता है तो देश हिलता है। सचिन पायलट युवाओं की शान है, और सचिन पायलट से पूरे राजस्थान ही नहीं हर राज्य में प्रभाव पड़ेगा। सचिन पायलट नहीं तो आप लोग सचिन पायलट चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान जो डिसाइड होगा वो ही हमें युवाओं को मंजूर होगा। बाकी एक बात, कांग्रेस को पहचानना चाहिए 2023 में सरकार रिपीट। तो यहाँ पे आप देखिए अंजना, अब हम लोग सीएम आवास पर पहुंच गए, और यहाँ पे लगातार विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुल मिला के ये देखना होगा, बताया जा रहा है धारीवाल साहब के वहां से बस में भर के अशोक गहलोत खेमे के विधायक आएंगे, जो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको सचिन पायलट मंजूर नहीं है, और वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस तरह की भी बातें कही जा रही है, और बाकी विधायक अपनी अपनी गाड़ियों से अब 8 सिविल लाइंस पहुंचना शुरू हो गए। बिल्कुल, तो यहां से एक्शन शुरू, और सचिन पायलट तो निकल गए, अब लगता है शरद जल्दी होगा। वो जब वक्त था मौसमी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने सवाल भी पूछने की कोशिश की, सुना देते हैं। कोई भी जवाब नहीं देते हुए, और आज तक की कैमरे पर आपने देखा कि किस तरह से दो बारी हमने सवाल पूछा कि क्या पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ा जाएगा। आइए आगे चलते हैं, यहीं पे सीएम आवास है, और ये काफिला आप देख रहे हैं। सचिन पायलट कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो शांत रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास है उनका बहुत कुछ इस बार दांव पर है। अब की बार नहीं तो फिर अगर चुनाव होते हैं तो उसका सामना करना है, एक साल ही बचा है। शरद जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि अभी सुरेंद्र जी आपकी बात पर एतराज कर रहे थे, कह रहे थे चीचा लेदर नहीं, इसको ड्रामा मत कहिए, लेकिन यहां पर तो राजेंद्र सिंह गुड्डा कांग्रेस के ही विधायक ने अभी ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कहा कि ये बैठक नहीं होनी चाहिए थी धारीवाल के घर पर। ये क्यों इस तरह का फूट दिखाने की कोशिश हो रही है शरद? और यहां जो लोग बैठे हैं निकलने के मूड में है कि नहीं अशोक गहलोत के घर के लिए? आपने पूछा राजेंद्र गुढ़ा का बयान उनको सुनवाना चाहिए, जो खुद वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी बैठक ये ड्रामा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, उनका मंत्री कर रहा है, सैनिक कल्याण मंत्री। खैर इनका कहना है मैं तक क्या है, लेकिन ये जो है यहाँ पर जो स्थिति है, ये स्थिति यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी ये निकलने वाले हैं। अभी इस तरह से लग रहा है कि वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुछ गुत्थी उलझी हुई है, जिसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाकर एक दबाव ये पड़ेगा कि सचिन पायलट वहां पहुंच गए हैं, 35 से 40 विधायक वहां पर बैठे हुए हैं, अगर अब भी ये विधायक यहां से निकल कर नहीं जाते हैं तो ये नाफरमानी मानी जाएगी, क्योंकि अब 8:15 का वक्त है। देखिए अंजना, ये 8:15 का वक्त है, 8 बजे का वक्त जो विधायक दल के बैठक के लिए दिया गया था वो भी खत्म होने जा रहा है। मुझे लगता है ये आंतरिक लोकतंत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि आलाकमान की तरफ से कोई वक्त दिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अजय माकन जी इंतजार कर रहे हैं, कोई विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे, इतना आंतरिक लोकतंत्र भी ठीक नहीं है। मगर इस तरह का यहाँ पर देखिए किस तरह का, एक बार दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कहूंगा कि बाहर का नजारा देखिए, ये लग रहा है कि विधायक दल की बैठक का नजारा होना चाहिए था, मगर ये एक गुट की बैठक का नजारा है, जहां पर
बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि जो 41 विधायक और मंत्री अंदर हैं वो कब निकलेंगे, किस तरह से निकलेंगे। तरह तरह की खबर अंदर से आ रही है। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आ जाओ, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं कहा गया है कि अभी रुको बताते हैं। तो चल क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना जरूर चल रहा है कि ये एक प्रेशर टैक्टिस है ये जताने के कि हम सचिन पायलट के नाम पर राजी नहीं होंगे। मगर विधायकों की संख्या इतना ज्यादा नहीं है, मंत्रियों की संख्या इतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के लिए देखिए एक सिल्वर लाइनिंग भी है, आज जितने विधायक यहाँ आ रहे हैं उनमें से आधे कह रहे हैं कि हम कांग्रेस आलाकमान पर यह फैसला छोड़ेंगे। यानी सचिन पायलट के लिए या अशोक गहलोत के लिए वो नहीं बोल रहे हैं। और अशोक गहलोत के लिए भी एक कहा जा सकता है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। आज जो स्ट्रेंथ दिखाने की उन्होंने कोशिश की, मुझे लगता है कि उन्हें अनुमान होगा कि कम से कम 102 विधायक होटल में थे और 90 तो आएंगे ही, लेकिन ज्यादातर विधायकों ने कहा कि हम कांग्रेस आलाकमान के साथ हैं। तो ये एक स्थिति जो है उनके लिए भी एक अच्छी बात नहीं रही, इस तरह से पावर अप स्ट्रेंथ दिखाना। और सचिन पायलट ने यही काम पिछली बार किया था तो अपनी गलतियों से शायद सीखे हैं, इसलिए उन्होंने इस बार नहीं दिखाया। लेकिन कुल मिलाकर इसे अब छींचा लेदर नहीं कहेंगे तो अंजना और क्या कर सकते हैं। ये हो क्या रहा है कि 8:30 की टाइम होने जा रहा है, कोई यहाँ से निकल नहीं रहा है, तो इंतजार करते हैं हम लोग। खाचरियावास अंदर जा रहे थे शरद, तो बोले कि चाय पकौड़ा और गप फेंकने जा रहा हूँ, गप मारने जा रहा हूँ, ऐसा ही कुछ शब्द उन्होंने बोला था। लेकिन 35 विधायक ऐसी घड़ी पर, जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद हैं, जब वहां पर अजय माकन दिल्ली से गए हुए हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी का क्लियर मैंडेट है जल्द से जल्द कराइए, और यहां पर तो सुरेंद्र राजपूत जी ईमानदारी से बताइएगा, कहा जाता है गहलोत जी बड़े पुराने गुरु हैं, कुछ ना कुछ अपने स्लीव वो हमेशा रखते हैं। वरना आप सोचिए ना, आज जो कुछ हो रहा है ये सब संयोग है कि आज ये धारीवाल साहब सबको चाय नाश्ते और पकौड़े पे बुला रहे हैं। ये भी संयोग है कि इंडिपेंडेंट एमएलए कह रहे हैं कि गहलोत अगर नहीं रहेंगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर सकती है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा ही संयोग चल रहा है आपकी पार्टी में। देखिए, संयोग और प्रयोग की तो परिभाषा अंजना जी आप दे सकती हैं, आपके क्या नाम पत्रकार महोदय दे सकते हैं। मैं आपको दो तीन चीजें, चूंकि आप तो स्वयं एक लंबे समय का इतिहास आपका भी रहा है चीजों को देखने का, और प्रभु जी ने तो सारी बात कह दी, प्रभु जी फर्जन साहब इन सब लोगों ने तो पूरी जिंदगी देखी है, कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा, और इन्होंने उस जनसंघ को भी देखा जिसने पूरी की पूरी अपनी पार्टी को जनता पार्टी में भी विलय कर दिया था। यानी एक विचारधारा ऐसी है जो सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने आप को भी खत्म कर देती है, आहूत कर देती है, फिर नए तरीके से बात करती है। तो वो लोग लोकतंत्र की बात हमें नहीं सिखाए, हमें बहुत आवश्यकता नहीं है उनसे सीखने की। हाँ, एक चीज मैं बहुत साफ स्वीकार करता हूँ आपके सामने, शांति धारीवाल साहब के यहाँ विधायक बैठे हैं, एक गुट के बैठे हैं, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ, ओपनली स्वीकार करता हूँ।